नमस्कार, आइए आज बनाते हैं इडली बैटर। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी धुली उड़द और डेढ़ कटोरी इडली रवा। धुली उड़द को दो तीन बार साफ पानी से धोकर 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए। दूसरे बर्तन में इडली रवा को भी 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भीगी उड़द में जरूरत के अनुसार पानी डालकर मिक्सी में बारीक पेस्ट पीस लेंगे और एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। पिसे हुए उड़द के पेस्ट में इडली रवा को निचोड़कर डाल लेंगे। इडली रवा को उड़द के पेस्ट में मिला करके ढक देंगे और पूरी रात के लिए फर्मेंट होने देंगे। अगली सुबह देखिए हमारा इडली बैटर कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, कितना फ्लफी और कितना हल्का बना है। तैयार इडली बैटर में स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर आप इडली बना सकते हैं। मनचाही सब्जियां और स्वाद अनुसार मसाले मिलाकर आप उत्तपम बना सकते हैं। इडली और उत्तपम के अलावा इस बैटर से आप अप्पे बना सकते हैं। इन सभी रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।